शेयर बाजार की रिकॉर्ड तेजी के बावजूद इस साल सरकार विनिवेश का लक्ष्य हासिल करने में असफल हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है LIC के IPO में हो रही देरी। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि LIC का IPO अगले कारोबारी साल यानी अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच आएगा। इसके साथ ही कुछ और सरकारी कंपनियों में विनिवेश का इंतजार भी इस साल पूरा होना मुश्किल है। इसके चलते 2020-21 में विनिवेश से 2.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी अधर में लटक सकता है। अभी तक विनिवेश के जरिए सरकार को महज 28,298.26 करोड़ रुपए ही हासिल हुए हैं। अभी तक के अनुमानों के मुताबिक सरकार को विनिवेश से इस साल महज 40,000 करोड़ से 70,000 करोड़ ही मिल पाएंगे। 2019-2020 में 1.05 लाख करोड़ के विनिवेश लक्ष्य से सरकार 14,700 करोड़ रुपए कम मिले थे। सरकार फिलहाल एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम में हिस्सेदारी बेचने की कोशिश में लगी है, लेकिन बिक्री में देरी की वजह से अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां काफी कम PE भाव पर कारोबार कर रही हैं। अगर भारत पेट्रोलियम का रणनीतिक विनिवेश हो जाता है तो इससे प्रक्रिया में थोड़ी तेजी आ पाएगी। इसके बाद सरकार ज्यादा आक्रामक होगी और आगे की बिक्री के लिए रास्ता खुल जाएगा। फिलहाल अगले किसी विनिवेश से पहले सरकार बजट का इंतजार करेगी। जानकारों का भी मानना है कि बजट में होने वाले ऐलान शेयर बाजार में तेजी की वजह बनेंगे और इससे सरकार को भी विनिवेश के जरिए ज्यादा रकम मिल पाएगी। अगर सरकार के नीतियों की बात की जाए तो बजट के बाद हमारा मार्केट ऊपर जाएगा, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। बिकॉज इन इंडिया नाउ गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि बिजनेस मैन के लिए, व्यापारियों के लिए ये कितना आसान बना सकते हैं। अगर हम 2014, 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20 के बजट की बात करें तो आप देखेंगे बजट के बाद मार्केट में एक लोगों को उम्मीद जगी है कि मार्केट ऊपर जाएगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि गवर्नमेंट का इज ऑफ डूइंग बिजनेस, और बजट के बाद हमें एक सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक की तरफ जाना चाहिए। हालांकि विनिवेश को लेकर सरकार की जल्दबाजी पेट्रोल डीजल की वजह से भी नहीं है। 2.1 लाख करोड़ के लक्ष्य से अगर 70,000 करोड़ विनिवेश से मिल गए तो क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बचे हुए 1.4 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल पर बढ़ाई गई एक्साइज से मिल सकते हैं, वो भी तब जब 2020-21 में पेट्रोल डीजल की बिक्री में 10 से 16% की गिरावट का अनुमान है। 2019 में पेट्रोल की कुल कीमत में टैक्स की हिस्सेदारी 47% थी, वहीं 2020 में ये बढ़कर 60% हो गई है। ऐसे में सरकार कंपनियों की सही वैल्यूएशन का इंतजार करके विनिवेश के जरिए ज्यादा रकम जुटाने का इंतजाम कर सकती है। वैसे भी जानकारों का मानना है कि शेयर बाजार में आई हालिया तेजी की वजह देखकर इसके लुढ़कने की आशंका कम है। अगर आप दिसंबर 2020 और सितंबर 2020 के डाटा को देखें तो दिसंबर 2020 में सारे FII और DII अपने पोजीशन को ज्यादा बढ़ा चुके हैं। जितनी भी कंपनियां हैं नेक्स्ट 50, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट निफ्टी 50 और टॉप 100 कंपनी ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें उन लोगों ने अपने पोजीशन को बढ़ाया है। यानी सरकार का इरादा बजट के बाद की तेजी में विनिवेश की गाड़ी को आगे बढ़ाना हो सकता है, जिससे अगर इस साल कम कंपनियों का भी विनिवेश हो तब भी रकम मनमाफिक हासिल हो जाए और कोरोना के नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो पाए।